तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और अभी जो मैच कवर करें वुमेन्स एशिया कप का ट्वेल्थ मैच कवर करें थाईलैंड वुमेंस वर्सेस यूएई ई वुमेन्स के बीच में इस रिज का एक और दोस्तों बेहतरीन मैच खेला जाएगा जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट स्मोली एंड मिनी जी दोनों के लिए ये मुकाबला काफ़ी शानदार रहने वाला है देखो हमने ऐसा दोनों ही टीमों को ओर से काफी सारे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे जो स्मोली के साथ साथ ग्रैंड ग्रैंडलिक्स भी विन करा कर देंगे शादी जानेंगे कौन से वे प्लेयर्स रहने वाले जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगे और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे थोड़ी शॉर्ट ब्रिव्यू करेंगे टाइमिंग हमारे पास अभी बहुत ही कम है तो अभी आप थोड़ी शॉर्ट में समझिएगा हालाँकि दोस्तों इस मैच से रिलेटेड चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो इसके लिए जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगे हम इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और साथ ही क्या कुछ हमारे लीग के जो टीम्स हैं और जो ग्रैंड लीग के टीम्स हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आप इस मैच से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में जान पाओ जो आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मैच को विन करना तो एंड तक इस वीडियो को देखना ज़रूर दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं मैच प्रोडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं और भाई सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी फैन के टेलीग्राम चैनल को जहाँ पे जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस मैच के फाइनल और एक विनिंग टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं जिस टीम से मैं खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करूँगा वो टीम को टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करेंगे और जुड़ने के लिए जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा उसी के थ्रू जुड़ना ताकि हमारे रियल चैनल पर जुड़ो क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक कवर्स वाले चैनल भी हैं जहाँ पे लोग ये सब पार्टी बेच रहे हैं तो अभी हमारी जो टीम रहेंगे जनवन एक फ्री टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रहेगा उसी के थ्रू जुड़ना ताकि हमारे रियल चैनल पर जुड़ पाओ और ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक एक्टिव रहेगा फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं प्लेयर प्रडिजन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके मैच इन्फो के बारे में तो ये जो मैच जगह थाईलैंड वुमेंस वर्सेस वुमेंस बुमें, के बीच में ट्वेल्थ मैच एशिया वुमेंस कप का रहने वाला जो आपको ये मॉर्निंग के साढ़े आठ बजे करीब में मैच स्टार्ट और लगभग अभी से दो घंटे पहले और अगर हम बात करें इनकी जो वेन्यू है सिलर सिलर क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल ग्राउंड पे यह मैच खेला जाएगा जहाँ पे रिसेंट से पहले के मुकाबले इसी ग्राउंड पे ही खेलेगा एवरेज स्कोर एक सौ तीस से आपको डेढ़ सौ के बीच में ही देखने को मिलेंगे वुमेंस के मैच है लो स्कोरिंग पिच रहेगा आपको यहाँ पर जो रन रेट रहेगा एक तरह से देखें तो आपको अस्तर या फिर अस्सी के बीच में ही देखने को मिल सकता है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो लोग भी नहीं जुड़े ज्वाइन कर लेना क्योंकि इस मैच से रिलेटेड जो भी हमारी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगे टॉस के बाद इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही आपको अपडेट्स आप करे देंगे बाकी पिच की बात करें तो पिच एक तरह से बैलेंसड ही देखने को मिलेंगे थोड़ी ऐसा प्लेसेस को इस ग्राउंड पर हेल्प मिले रेशेंट के मैच में भी ऑलरेडी आप सब देख चुके हो और वैनी स्कोरिंग पर टोटल इस ग्राउंड पर आठ मैचेस खेले गए जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने एक

और विकेट कीपनिंग सीजन से नानापत नानापत नज़र ना आएंगे ना ना जो विकेट कीपनिंग कराते हुए आपको देखने को मिलेगा अड़तालीस मैचों में सात सौ छः रन तेईस की वजह से रिसेंट की पारियों में आठ उसके बाद पच्चीस और तेरह का स्कोर देखने को मिलेंगे देखो प्लेयर्स ओपनिंग बैटिंग करा रही है सर बैटिंग से भी एवरेज फॉर्म ठीक ठाक अगर कैसे भी करेंगे तो आपको बीस प्लस इस मैच में स्कोर करके दे सकते हैं खास करके अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो अब ये देखो एज अ प्लेयर हम इनको पिक करके जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो छथम है इनका भी फॉर्म देखो तो राइट हंडर बैट्समैन हमारे मैचों में एक हज़ार पैंतालीस रन सताईस का वजह रिसेंट के पारियों में इकसठ ही से पहले सात और 20 का स्कोर शामिल है ये दोनों ही टीम के मेन बैट्समैन बनेंगे जो थाईलैंड वुमेन्स स्कोर से एक एवरेज स्कोर करके देश रखती है तो वैसे भी हमें ओपनर्स को ड्रॉप करना ही नहीं है एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाएंगे अब चाय वाई की बात करें तो इनकी थोड़ी ऐसे बैटिंग ऑर्डर में कभी कभार चेंजेस हो रहे हैं कभी कब डाउन फाइफ डाउन बैटिंग करा के तो किसी मैच में टू डाउन थ्री डाउन बैटिंग कराया हालांकि इन्होंने अपने टी ट्वेंटी करियर में पचास मुकाबले चार सौ चौरानवे रन बीस कवरेज है रीशण के बारे में दो उन्नीस सौ सत्रह का स्कोर है देखो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो ही आपको पिक करके जाना है वरना आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो और वैसे भी यहाँ पर जो अपनीता माया है इनका ना तो बैटिंग से कुछ खास बढ़िया रिकॉर्ड है ना तो बॉलिंग से ही है तो वैसे प्लेयर्स को हमें रखना नहीं है अगर ग्रैंड लीग्स वगैरह खेल रहे हो तो फिर वहाँ पर इनको ट्राई करना उसके बाद चनीता की बात करें तो उनचास मैचों में चार रन सोलह कवरेज छियालीस विकेट टेन के नाम है और रीजेंट के मैच ब्रॉप इससे पहले सैंतीस का स्कोर जीरो तीन ओवर के बॉलिंग उसके बाद एक का स्कोर जीरो तो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करा लेती है प्लेयर डिफोल्ट ऑप्शन के लिए रहेंगे जिसको भी रिस्क लेना होगा वही लोग पिक करके जाना बाकी आपकी इच्छा और नीचे अगर तो यहाँ पर आपको कम जंपो नजर आएंगे हैं। राइट हैंड बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलर है अड़तालीस मैचों में एक सौ चार रन अड़तीस विकेट इनके नाम है रिसेंट के तीन पारी लगातार जैसा फ्लॉप ही गया ग्राइंडिस वगैरह में रखेंगे तीपोच ने भी बात करें तो रिसेंट के मैच में दो विकेट चार ओवर के बॉलिंग उसके बाद इन्होंने जीरो विकेट जीरो विकेट इस तरह से टी ट्वेंटी करी है पचास मैचेज दो सौ साठ रन चालीस विकेट इनके नाम है और ये बॉलिंग बैटिंग करा रहे दोनों तो बैटिंग से तो कुछ खास रिकॉर्ड ठीक ठाक है नहीं जो भी ऐसा बॉलिंग चाहिए और आप सभी को ऐसा प्लेयर पिक करके चलना चाहिए उसके बाद यहाँ पर जो नेता नजर आएंगे देखो रिस के मैच में फ्लॉप गए पर इन्होंने टी ट्वेंटी करियर पचास मैचों में चार सौ उनहत्तर रन तेरह का जो इकहत्तर विक टैन नाम है तो ये राइट है चाइना मैन बॉलिंग करा और इस मैच के एक सिर्फ ऑप्शन रहेंगे जो आज आप सभी को ऐसा प्लेयर पिक करके चलना चाहिए उसके बाद थिपाचा जो टीम के एक मेन बॉलर है और यहाँ पर जो दो ऑप्शन ये ग्रैंड लीग्स वगैरह में लोगों में और यहाँ पर इनको पिक करेंगे अब इसके सिवा देखो हमारे टेलीग्राम चैनल से काफ़ी लोग नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लेना क्योंकि इस मैच से रिलेटेड जो भी हमारी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगी टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल वही देंगे दोस्तों ई वही की बात करें तो इनकी टीम ने रिसेंट के जो अपने तीन मैचेस खेली हुई है एक मुकाबले वन दो मैचेस लॉस किए तो तीसरे याद ओपनिंग तो बैटिंग रिसेंट के मैच में बासठ का स्कोर से पहले एक और उन्नीस का स्कोर आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने उनतीस मैचों में उन टोटल दो सौ रन सैंतीस का और लेफ्ट अंडर बैट्समैन टीम की ओर से एज मेन बैट्समैन जो आप सभी को एज प्लेयर के साथ साथ मीनी जियल ग्रैंडिक्स वगैरह में ममी ने कैप्टन भी करके जाना है उसके बाद यहाँ पर जो ऐसा ओजा नजर आएंगे राइट हंडर बैट्समैन राइट हंड ऑफ स्पिन बॉलर है टोटल बयालीस मैचों अपने टी ट्वेंटी करियर में खेला जहाँ पे ग्यारह सौ तेईस रन बत्तीस कर पच्चीस सौ विकट के इनके नाम है के तीन पारियों में इन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराया हालांकि बैटिंग से देखो तो हर एक मैच में चार रन का स्कोर कर पाई इससे पहले इन्होंने जीरो विकट एक विकट एक विकट तो एक टीम के मेन ऑलराउंडर रहेंगे जो आप सभी को ऐसा फिर पिक करके चलना चाहिए कभी जगह ही बात करें तो तीन मैचेस की जो रिसेंट के तीन मैचों में पहले मुकाबले तीन हुई उसके बाद तीस और चार का स्कोर शामिल है बयालीस मैचों में नौ सौ पंद्रह रन अड़तीस के वजह बारह बैटिंग के नाम है अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कराती है तो आपको पिक करके जाना वरना आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो उसके बाद नताजा न तो बैटिंग से कुछ खास रिकॉर्ड बेहतरीन ना तो बॉलिंग से ही है तो ऐसे प्लेयर्स को हमें रखना नहीं है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मुगल नज़र आएंगे देखो राइट हंड्रेड बैट्स में राइटे मीडियम बॉलर है टी के चा मैचों में तीन रन तेरह का वजह जाएगा अट्ठाईस विकटन के नाम है रिसेंट के पारी में देखो तो सत्रह का स्कोर वन विकेट है छः रन का स्कोर वन विकटे इस इन्होंने हर एक मैच में बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराया और इस मैच के ऑन ऑफ़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप सभी सब को सबको स्मॉलिंग में तो आप पिक करना ही है साथ ही मीनी जेल ग्राइंडिक्स वगैरह में भी इनको कैप्टन है हवाश तन कर सकते हो खुशी सर मैं आज आउट ऑफ फॉर्म हालांकि इनको कभी कभार बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट भी किया जा रहा है पर कुछ खास बढ़िया इनका मैचेस गया नहीं तो अभी हम इनको रखेंगे नहीं ग्रैंडिक्स वगैरह में आप सब ट्राई करना शमीरा भी एज आउट ऑफ फॉर्म ही कहीं जेल वगैरह के डिफॉल्ट रहेंगे अब रिस्क लेना होगा तो वैसे मईका को पिक करना देखो लेफ्ट और मीडियम बॉलर है पंद्रह मैचों में छः विकटे पहले मैचेस तीन विकटे एक विकटे लास्ट के मैच में इन्होंने फ्लॉप गई पर एक टीम के मेन बॉलर से रहेंगे जो चार ओवर कन्फर्म बॉलिंग कराते हुए इस मैच में आपको देखने को मिलने वाली है उसके बाद महेश ने लास्ट के मैच में एक विकेटे मिला जीरो विकटे से पहले तीन विकटे निकाल चुके हैं टी ट्वेंटी के तीस मैचों में अट्ठाईस विकेट थोड़ी सी एक्सपीरियंस बॉलर है राइट में लेग स्पिन बॉलर है एक से दो विकटे इस मैच में आपको निकाल कर दे सकती हैं और फिर या फिर कनिया या फिर इंदुजा में से कोई एक ही खेलेगा और यहाँ पर जो कोटे ने यह टीम के मेन बॉलर से 22 मैचों में 16 विकेट रिसेंट के दो पारियों में एक और एक विकेट निकाली हुई है तो ये एक स्मॉली के बेहतरीन ऑप्शनस रहेंगे फिलहाल आप यहाँ से और कैनी आ, या फिर इंदुजा में से किसी एक कोई एक ही खेलेगा तो यहाँ से इंदुजा इस मैच में खेलने वाली है जो इस मैच के सेफ ऑप्शन रहेंगे इनके जो हमारे टेलीग्राम चाल से काफ़ी लोग अभी तक नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लेना वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फाइनल टीम जो एक विनिंग टीम होती है इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे फिलहाल अभी चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं तो उस अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान से सुने देखो हमने यहाँ पर जो थाईलैंड के पांच प्लेयर्स और यू के छह प्लेयर्स रखे मैंने काफ़ी सारे सर्च के बाद टीम कॉम्बिनेशन ऑलरेडी क्रिएट करके रखे थे चेंजेस करना चाहो तो इस चार्च के मुताबिक अपने टीम खुद की टीम में भी चेंजेस कर सकते हो तो फिलहाल अभी जो मेरी टीम है सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देखो यहाँ पर मुगल को उनतीस लोग कैप्टनसी कर रहे हैं अगर आप भी चाहो तो कर सकते हो पर हम डिफ़ॉल्ट्रॉफिस के तौर पर रोहित को कैप्टन करके जा रहे हैं जो कि ओपनिंग बैटिंग बॉलिंग है इनका और एक एवरेज फॉर्म से आपको देखने को मिल सकते हो वाइस कप्तान मोगल को चाव करो या फिर आप बॉलिंग सेक्शन से महेश या फिर तिपाचा या फिर आप यहाँ से इनको भी कर सकते हो ये डिफॉल्ट रिस्क ट्राई करना छतीश भी मैच के सेफ ही ऑप्शन जो जैसे बैटिंग से एवरेज फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे तो अभी हम थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट करें तो वाइस कप्तान हमने इनको किया सेम टीम के साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट करें और फाइनल टीम के लास्ट मंथ तक हमारे चैनल पर एक्टिव रहना जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने लिंक दे दिया हूँ फिलहाल दोस्तों अभी मिलते के लिए वीडियोज़ में नेक्स्ट मैचेस की प्रोडिक्शन के साथ